हेलो, आज हम फिर से एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर वन, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1,094, 1,800 for 12, 2,050 and 2,751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? वो कह रहा है कि चारों दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई आपको निकालनी है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे जितनी टिकट सोल्ड हुई है वो दिखा दिया है आपको, और कहता है कि टोटल जो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हुई है इन चारों दिन वो आपको बताना है। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि हम यदि चारों को सम कर दें तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि टोटल कितनी टिकट सेंड हुई थी, सोल्ड हुई थी। ठीक है, तो ठीक सॉल्यूशन करना हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको निकालना है टिकट सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। ऐसे ही प्लस कर दीजिए आप टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे। ठीक है, और प्लस टिकट्स सोल्ड ऑन द थर्ड डे प्लस टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे। चारों को आपको सम करना है, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड क्या निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा, अब आप इसको सम करना शुरू कीजिए। तो फर्स्ट डे जो टिकट सोल्ड हुई थी वो कितनी थी, 1,094। सेकेंड डे कितनी हुई थी, 1,812। थर्ड डे 2,050। और फोर्थ डे कितनी हुई थी, 2,751। तो ठीक है, इन्हें आपने सम कर दिया। देखिए कितना जाएगा, 4, 2, 6 एंड ये हो गया 7, 9, 1, 10 और ये हो गया 10, हो गया 20। अब कितना हो गया ये, 8, 2, 10 हो गया, 2 कैरी ओवर हुआ ना, 10 और ये हो गया आपका 17, फिर 1 कैरी ओवर हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा आ रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू 7,707। ठीक है, तो इतनी टिकट्स सोल्ड हुई हैं, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपको करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन टू है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो देखा आपने, 10,000 कंप्लीट करना चाहता है और उसने किए हैं अभी तक 6,980, तो कितने और कर ले कि वो 10,000 कर सके। टोटल 10,000 होने के लिए कितने जरूरी हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं 10,000 में से 6,980 को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि और अभी टोटल कितने बचे हैं। ठीक है ना, तो बस यही चीज अपने को करनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा,
ये है अब सॉल्यूशन, ठीक है। तो रन्स ही नीड्स, अपने को निकालना है रन्स नीडेड, रन्स नीडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रन्स टू कंप्लीट, ठीक है, रन्स विशेस टू कंप्लीट, runs wishes to complete minus runs scored, runs scored, ठीक है। तो ये निकल जाएगा अपना runs wishes to complete 10,000 and runs scored कितना है आपके पास 6,980, तो इसमें से माइनस हो गया 6,980। देख लीजिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, अब जीरो में से एट गए आ गया टू, फिर ये हो गया आपका नाइन, नाइन में से नाइन जीरो, उसके बाद फिर नाइन में से सिक्स गए आ गया थ्री, और ये हो गया आपका जीरो, तो 3020 रन्स, तो 3020 मोर रन्स ही नीड्स, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया रन्स आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन Did the successful candidate win the election? Question समझ में आया आपके? किस मार्जिन से वो जीता, यानी कि उस एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसको 5,77,500 वोट मिले हैं, और जो उसका जो हारा है उसको मिले हैं 3,48,700। तो बताइए कितने रनों से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है, यही है कहने का मतलब, यानी उसको कितने ज्यादा मिले हैं। अब इसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि हम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके जो वोट्स हैं उसमें से माइनस कर दें उसके राइवल यानी कि जो हार गया है उसके वोट्स को, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा वोट मिले थे, ठीक है, या क्या मार्जिन था जिससे कि वो सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता था, ठीक है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करती हूँ, तो यहाँ पर भी आपको माइनस करना है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में डिफरेंस कितना था, यही है आपका आंसर, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट आप माइनस कर दीजिए वोट्स ऑफ राइवल कैंडिडेट, ठीक है। तो आपको माइनस कर देने से पता चल जाएगा कि इसमें डिफरेंस कितना है, यानी कि जो जीतने वाले को कितने ज्यादा मिले थे, ठीक है। तो वोट्स ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना है आपके पास, 5,77,500, जिसमें से आपको माइनस करना है 3,48,700 को, ठीक है। तो अब मैं माइनस करना शुरू करती हूँ, जीरो जीरो, या ये हो जाएगा आपका 15 में से 7 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 15 में से 7 गए ये आ जाता है 8, ठीक है। चूंकि अब ये हो गया है आपका 6, ठीक है, तो हो जाएगा अब ये 16, तो 16 में से 8 गए 8 बच गया, ये हो गया आपका 6, 6 में से 4 गए बचा 2, ठीक है, और 5 में से 3 जाएंगे तो भी आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ जा रहा है आपका 2,28,800 वोट्स, ये है मार्जिन, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हुआ, तो इस पर आपको समझ में आ रहा है ना। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है,
Kirti Book Store sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June, and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? देख रहे हैं आप क्वेश्चन 4. कहता है कि कीर्ति बुक स्टोर ने आप जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 बुक बेची और जून के सेकेंड वीक में 4,768 बुक बिकी. ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है, इसमें दो क्वेश्चन हैं. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक्स टूगेदर? तो दोनों वीक में टोटल मिलाकर कितनी सेल हुई? तो इसको कैसे करना पड़ेगा, आपको दोनों को सम कर देना है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर? किस वीक में सेल ज्यादा हुई, वो आपको पता चल ही रहा है कि देखो जून के सेकेंड वीक में 4,768 बुक बिकी थी, जबकि जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 था. तो यही पूछ रहा है कि किस वीक सेल ज्यादा हुई, तो ये तो हो जाएगा जून के सेकेंड वीक में. अब वो कहता है कि एंड बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा हुई, तो बस 4,768 में से आप माइनस कर दो 2,85,891 को, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, ये आप लोग को करना है. ओके, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस. आपको इन डिजिट्स को लेकर एक तो आपको सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है और एक बनानी है लीस्ट 5 डिजिट नंबर, और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. आपको समझ आ रहा होगा कि इसका जो ग्रेटेस्ट होगा 5 डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा. देखिए, मैं ग्रेटेस्ट हो जाएगा, मैं लिख के बताती हूँ आपको. ये हो गया आपका सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये होगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. और आपको ये पूरी जो डिजिट है सिर्फ एक बार ही यूज करनी है. ये हो जाएगा 7, 6, 4, 3, 2. और लीस्ट जो आपका हो जाएगा, लीस्ट 5 डिजिट नंबर, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 6, 7. आपको इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इनको माइनस कर देते हैं, हमारा जो डिफरेंस है वो ये आ जाएगा. इनका डिफरेंस आ गया, देखिए 12 में से आप 7 माइनस करोगे आएगा 5, ये हो गया आपका 2, तो ये फिर से 12 में से 6 हो गया 6, ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया 13 में से 4, कितना आ जाएगा 9, ये हो गया आपका 5, तो 5 में से 3 2 और 7 में से 2 हो गए 5, यानी ये हो जा रहा आपका 52,965. ये आपका आंसर आ रहा है. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. अब करेंगे हम लोग 6. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 स्क्रूज अ डे. How many screws did it produce in the month of January 2006? ठीक है, एक दिन में 2,825 screws manufacture होते हैं, तो जनवरी में कितने होंगे? तो जनवरी 2006 या 2007, 2008 ऐसे, इससे तो कोई मतलब नहीं हमारा. जनवरी में कितने प्रोड्यूस होंगे, तो जनवरी में आप जानते हो 31 डेज होते हैं, तो बस एक दिन में यदि 2,825 तो 31 डेज में कितने होंगे, ये अपने को करना है इसमें. ठीक है, तो सिंपल यही है कि आप 31 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं.
ठीक है, सॉल्यूशन अपना हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्क्यूज, ठीक, नंबर ऑफ स्क्यूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे कितना है 2825, तो नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ स्क्यूज मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी यानी कि 31 डेज, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31 हो जाएगा, ठीक है, यही अपना आंसर होगा। तो 2825 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 31 से, तो देखिए आप क्या हो जाएगा हमारा, 15 जा 5, 12 जा 2, 18 जा 8, 12 जा 2, ठीक है। अब 3 से, 35 जा 15, 32 जा 6, 7 हो गया, 38 जा हो गया 24, तो हो गए 2, 32 जा 6, 7, 8, ठीक है, ये 5, 6, 7, ये हो गया 15, ठीक है, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 8, यानी 87,575 स्क्रूज, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी। ओके, थैंक यू।